यार ये सेशन लाइव हो गई है। वेलकम बैक, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सारे? आशा करती से भी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू द क्लास गाइस। चलिए फटाफट तरीके से मुझे बता देंगे कि मैम ऑडियो वीडियो दोनों जो है हमें प्रॉपर तरीके से और क्लियर तरीके से जा रही है नहीं, ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर पाए। ओके ठीक है, सारे लोगों का सेशन अभी विजिबल है, दिख रहा है प्रॉपर तरीके से? एनी डाउट? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज के सेशन को जल्दी जल्दी फटाफट तरीके से। ऑल क्लियर मैम, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर दिव्या त्रिपाठी। आप जो आप जो मेरे बारे में तो आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं वापस से बता देते, मैं दिव्या त्रिपाठी आपकी अपनी एजुकेटर, जीएस एजुकेटर। अब आगे की बात अगर हम करें तो एसएससी एग्जामिनेशन के बारे में, वरना बातें क्या हो जाएगी, बहुत ही आधी अधूरी हो जाएंगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ये नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि आप टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं जानते हैं। ऑब्वियसली बात है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर जानते हैं। आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करके सिलेक्शन निकाला है। हर बार हर साल यहाँ से कई कई सिलेक्शन यहाँ से निकले हैं। आपको यहाँ पे जितने भी एजुकेटर जो टॉप एजुकेटर्स हैं अपने अपने एरिया में, उन सब की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाती है एक साथ एक जगह पे। इसके साथ ही आप लोग को मिल जाती है मॉक टेस्ट, मॉक सीरीज। कि मैम हमने कोर्स तो पढ़ लिया, हमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन पढ़ाई करने मैम कहाँ से मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, मैम टेस्ट सीरीज कहाँ से देंगे? तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, राइट? जब आप खरीदने जा रहे हैं बैचेस, तो आपको कोड क्या यूज करना, दिव्या का। अच्छा एक बात समझिएगा, यहाँ पे आपको कैसे होता है, आपका महापैक है आपके लिए। यहाँ पे ना कोर्सेज अलग अलग नहीं है, क्योंकि अलग अलग करने में आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है अमाउंट। तो यहाँ पे क्या है, आपके लिए एक साथ है। मतलब अगर आप एसएससी के लिए पे कर रहे हो, इफ यू आर पेइंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन है, वो सब आप उस एक अमाउंट के अंतर्गत आप उन सारे एग्जाम पे एक्सेस पा सकते हो। सारे एग्जाम के जितने भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट मॉक टेस्ट है, सीरीज, आप सब पे एक्सेस पा सकते हो, ठीक है, स्टडी नोट्स के साथ। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये जितने भी फेमस नाम आप देख रहे हो एसएससी के रिगार्डिंगली, ये सब प्लेटफॉर्म पे हैं। ओके 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 ओके, डन, समझ में आई बातें? चलिए ठीक है, तो रियल लाइफ क्लासेस होती है, चिलिकाम का चैनल है, जल्दी से आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे अगर आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया। दिव्या त्रिपाठी मैम टेक्स्ट बुक, ओके, दिव्या त्रिपाठी मैम की टेक्स्ट बुक के नाम से है, आप लोग उसे जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे फटाफट तरीके से। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ एसएससी सीजल में, तो अगला नाम आपका भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैम बहुत भागते भागते ही दौड़ते दौड़ते हैं, क्योंकि बहुत टेंशन में थी अभी जस्ट। ओके नाउ पहला सवाल क्या कह रहा है, हमेशा की तरह देखेंगे, पॉलिटी है तो ऑब्वियसली बात है, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ था। पहले पता है वोटिंग एज कितनी हुआ करती थी, पहले वोटिंग एज हुआ करती थी 21 साल, फिर उसको घटा के कितना कर देगा 18 साल। देखो किया तो गया वोटिंग एज घटा के, लेकिन तुम लोग को गलत फहमी हो गई कि शादी ब्याह का एज हो गया है 18 साल, है ना? तुम लोग को लगने लगा कि हम अब 18 साल के हो गए हैं, मतलब अब हम शादी ब्याह जो है अब हम लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली बेटा ये बताने की कोशिश थी कि जैसे आप 18 ईयर्स के होते हो, तो लीगली यू टर्न फॉर द मेजर, आप मेजर एज जो है आप अटेंड कर लेते हो, अब आप यू आर नो मोर अ माइनर, ठीक है, यू आर नो मोर अ माइनर। तो लीगली कोई भी क्राइम करते हो तो क्राइम के अंदर तुमको सस्पेक्ट भी किया जा सकता है। हम बात करें 61st अमेंडमेंट के बारे में, वेरी गुड गाइज, अंडरस्टूड? सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट 61st अमेंडमेंट, जहां पे आपकी एज को क्या किया गया था, 21 साल से घटा के आपके 18 साल कर दिया गया था। इसके साथ ही 18 साल की अगर आप हो जाते हो, अगर आप तुम कोई भी क्राइम कमिट करते हो, कोई भी क्राइम, तो याद रखना उसके बाद तुमको लॉ के अंदर खींच के हिरासत में ले लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑफ इंडिया फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर भारत के उपराष्ट्रपति तुमको बनना है, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि मैम हमको तो उपराष्ट्रपति बनना है, रुको यार ये टेलीग्राम पे हम शेयर कर दे क्लास एक बार ना, लाइक को तुम लोग को शेयर नहीं किया जाता है कि मैम की बजाय हम लोग भी कभी कभी शेयर कर दे क्लासेस को, यार ये कैमरे में चेहरा इतना खराब क्यों आ रहा है यार, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम हट जाते हैं। ओके चलिए ठीक है,
सालिक वह सेशन को शेयर कर देंगे सभी के साथ ताकि जितने भी लोग हैं वो सेशन में जुड़ जाएं हमारे साथ। हाय तौबा श्वेता, तुम टेलीग्राम पे एसएमएस करो। अरे बाबा तुम लोग को हो क्या गया, तुम श्वेता और श्वेती चल रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, 35 इयर्स वेट करना पड़ता है 21 होने को। मैम मैन वुमेन की शादी की एज बराबर करवाओ, वेट करना पड़ता है 21 होने का। तुम इसके लिए इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारी 21 साल गुजर तुम शादी करोगे, है ना? क्योंकि भैया तुम्हारी भी 18 होनी चाहिए लड़कियों की तरह। बेटा अब तो यहाँ पे ये डिमांड चल रही है कि लड़कियों की एज 25 कर देनी चाहिए। लास्ट ईयर का डिबेट नहीं पता है कि लड़कियों की शादी की एज जो है वो 25 कर देनी चाहिए। एटलीस्ट माँ बाप को इस मतलब थोड़ा हड़बड़ाएंगे तो नहीं कि हाँ ठीक है 25 होने के बाद हम सोचेंगे कि भैया शादी ब्याह जो है करना चाहिए नहीं। तो 35 साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2-3 चीजें और भी हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, पहली चीज आप क्या कहते हो, वीपी, जो कि आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। क्या कहा मैंने, आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जैसे कि लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मेंबर होते हैं लोकसभा के। लेकिन यहाँ पे वीपी साहब को रखा जाता है ताकि कोई भी भैया बायसनेस वाली चीज जो हो यहाँ पर दर्शाई ना जाए। और एक प्रॉपर तरीके से हमने क्या कह दिया, ठीक है, और सिटीजन ऑफ इंडिया रहना तो नेसेसिटी है। मैम आप ही शेयर हम नहीं करेंगे, क्यों, क्या हो गया मयंक, कुछ किसी ने कुछ बोला है क्या तुमको? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट तरीके से। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सिंपल भाषा में अगर आपका मौलिक अधिकार आपसे छीन लिया जाए, आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिया जाए, तो उस केस में किस आर्टिकल के तहत आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? उस आर्टिकल के तहत आप कह सकते हो कोर्ट को जाके कि हाँ भैया मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा फंडामेंटल राइट जो है, मेरा मौलिक अधिकार जो है, ये हमसे छीन लिया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत आप कहते हो, जिस आर्टिकल को बाबा साहेब ने कहा था हार्ट एंड सोल कहा था संविधान का, यस वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 32, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 32, जिसको बाबा साहब ने हार्ट एंड सोल कहा था, जिसके तहत आप रिट कर सकते हो। इसकी पावर होती है बेटा, रिट की पावर होती है, 5 रिट है आपके पास, हेबियस कॉर्पस, सेरेटरी, प्रोहिबिशन, है ना, मैंडमस, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर आप अपने मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप किसके जाएंगे, आप जाएंगे आर्टिकल 32 के अंदर, आप जाएंगे आर्टिकल 32 के अंदर। सिमिलरली अगर आप इस मामले को लेके आप पहुंचते हैं कहां पे, हाई कोर्ट, अगर आप उसी मामले को लेकर पहुंचते हैं हाई कोर्ट, तो आपके पास किस आर्टिकल के तहत आप जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर द आर्टिकल 226। अगर यूपीएससी के पढ़ रहे हो, स्टेट पीसीएस के पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डीप में जाके इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की, और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पावर का डिस्कशन करना कि ज्यूरिडिक्शन एरिया किस किस प्रकार से जाता है 32 को और 226 का, ठीक है। मैम ऑनलाइन कोर्स है क्या लॉ का, अच्छा इंस्टीट्यूशन का ऑनलाइन कोर्स, लॉ का ऑनलाइन का मुझे लॉ का नहीं आइडिया है, नो आइडिया। हाँ कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे जो हमारे सब्जेक्ट है उनके तुम्हारे क्लास में मिल जाएंगी, लेकिन लॉ की स्टार्टिंग प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन आई डोंट थिंक सो, हो भी नहीं पाएगा जहां तक मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी ऐसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है, ऑफलाइन छोड़ो मैं बोलूंगी तुमको जरा सी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम लॉ करना चाह रहे हो तो किताबें पहले खुद से लेके पढ़ना शुरू करो, पहले 1-2 महीने खुद को टाइम दो, उसके बाद कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना जब भी कर रहे हो तो। नेक्स्ट वन, ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं दिया गया है। मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई अभी एक बात के लिए। एक्चुअली हुआ यूं कि आज मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, मेरे यूट्यूब के फीड पर दिखाई दे दिया वो, उसमें तेज प्रताप यादव जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था मनीष कश्यप जी के द्वारा, सच तक न्यूज़ चैनल है ना मनीष कश्यप जी का, हाँ, तो उस पर इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो तेज प्रताप यादव काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, वॉज वेरी गुड, मैंने पूरा नहीं देखा लेकिन काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। मैंने उसमें हाईलाइट्स देखे थे, तो हाईलाइट्स में मनीष कश्यप जी ने बोला कि आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए,
एट्थ शेड्यूल में शामिल करना चाहिए भोजपुरी को। तो तेज प्रताप जी ने बहुत गुरु बहुत मतलब सर उठा के जवाब दिया कि जरूर शामिल करना चाहिए आठवीं अनुसूची में। आठवीं में कौन कहता, हम तो कहते हैं पहले नंबर पर शामिल करना चाहिए। तो इसलिए आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है आठवीं अनुसूची के बारे में, क्योंकि एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में जिक्र है। जो हमारे यहाँ शेड्यूल्स बनाए गए हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं। शेड्यूल्स हमारे यहाँ इसलिए बनाए गए हैं कैटेगराइजेशन करने के लिए, टैब्यूलेशन करने के लिए, है ना। ओथ अलग में दिया है, आठवें शेड्यूल में एक्चुअली हमारे यहाँ लैंग्वेज का जिक्र है, तो पहला शेड्यूल में नहीं जा सकता है। खैर ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी बिहार की कहानी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा हमने, राजस्थानी जो है भैया ये, अरे हिंदी कौन डाला, हिंदी कौन डाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आठवीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं जो है ये सम्मिलित की गई है। आसामीज, बंगाली, बुद्धो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, संथली, सिंधी, तेलुगु, उर्दू। ध्यान दीजिएगा, अब तक अगर मैं बात करूं कि प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। कई बार ऐसे केसेस आए हैं जिस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे केसेस में कहा गया है कि प्रीएम्बल जो है वो भारत संविधान का पार्ट नहीं है। अलग अलग केस स्टडीज हुई है, जैसे एसआर बुमाई केस हुआ था, है ना, केशवानंदा भारती केस हुआ है, जिसमें हर बार प्रीएम्बल को लेकर लोगों ने अलग अलग अपनी कोर्ट ने अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया है। और फिर लास्ट में हमने माना है कि प्रीएम्बल जो है ये हमारा अभिन्न अंग है। प्रीएम्बल जिसका मतलब क्या होता है, प्रीएम्बलस, जिसका मतलब क्या होता है, प्रीएम्बलस। प्रीएम्बलस का मतलब ही है विच कम्स फर्स्ट, विच कम्स फर्स्ट। इसका मतलब ही होता है कि जो पहले आए, मतलब अगर आप प्रीएम्बल पढ़ ले रहे हो तो आपको ये ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि भैया इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर किस चीज के बारे में विवरण दिया गया है, इस एक्ट के अंदर किस चीज के बारे में डिटेलिंग दी गई है, वो आपको ऑलरेडी प्रीएम्बल पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्लियर, ओके, ध्यान दीजिएगा, ये एक बार अमेंड हुआ है और ये अमेंड किया गया है मैडम इंदिरा नेहरू गांधी जी के द्वारा। किनके द्वारा, मैडम इंदिरा नेहरू गांधी जी के द्वारा। तो तीन नए वर्ड इसमें डाले गए थे, है ना। अब कई लोग सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर टर्म जो है ये काफी विवादित रहता है, इसलिए मैं स्पेशली इसके बारे में आपको बता देती हूँ। सेकुलर टर्म जो डाला गया क्योंकि ये हमारे संविधान में पहले कहीं नहीं था कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हाँ हम पहले भी थे लेकिन ये मेंशन नहीं था कहीं भी। इसको मेंशन किया किसने, मैडम इंदिरा नेहरू गांधी जी ने मेंशन किया। इसमें एक और वर्ड पे काफी चर्चाएं होती हैं, वो वर्ड है सोशलिस्ट। एक और वर्ड है जिसपे काफी डिबेट होता है, वो वर्ड है सोशलिस्ट। कई लोगों को लगता है कि सोशलिस्ट कम्युनिज्म वाला सोशलिस्ट डाला है मैडम इंदिरा नेहरू गांधी जी ने, जो कम्युनिज्म चाइना में और रशिया में चलता है, कहीं वो वाला कम्युनिज्म तो नहीं इसको सोशलिस्ट का मतलब। नहीं नहीं नहीं, ये वो सोशलिस्ट है जो गांधी जी का था, जो गांधी जी का मकसद था। देखो एक सोशलिस्ट ये होता है जो चाइना वगैरह में चलता है, कि सोशलिस्ट का मतलब ये है कि तुम्हारा जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एक फिक्स्ड पार्ट पोर्शन जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा, जो चाइना कम्युनिस्टवादी में जो चलता है। ये सोशलिस्ट का मतलब भैया ये आपका जो है ये गांधी जी वाला सोशलिस्ट है, सब एक साथ रहे मिलजुल के, सब सोशल वाला वो वाला है। बिहार सासाराम सब की चंगकोटी बनो ना, शुद्ध पवित्र नाम क्या रखा तुमने, शुद्ध पवित्र पापी, ऐसे भी होते हैं, मैंने पाप नहीं किया, मैंने सच्चाई का साथ दिया है, कुछ समथिंग लाइक दैट। दूसरी चीज ये मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि आर्टिकल 368 जो है ये पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, कि आप चाहे तो आप जिस भी चीज को चाहे आप उसको संशोधित कर सकते हैं। नाउ पे अटेंशन, इस 368 के ऊपर एक एनी शब्द जो है जिसने काफी बवाल खड़ा किया था मैडम इंदिरा नेहरू गांधी के समय काल पे, जिसमें कई केसेस हुए थे एक लाइन लाइन बार में। ओके आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके कौन सा अनुच्छेद जो है ये डील करता है प्रारंभ समय की नागरिकता से। आप सबको पता है कि मैम आर्टिकल 5 से लेके 11 तक तो मैम बातचीत होती है नागरिकता के बारे में। 11 में तो मैम पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट अपनी पावर से अमेंड कर सकती है संविधान में, बट कौन सा इसमें से आर्टिकल डील कर रहा है उस टाइम के नागरिकता के साथ जिस दिन से, मैंने क्या बोला, आप भारत के नागरिक उस दिन सर हैं जिस दिन से आप इंडिया के अंदर संविधान बनने के अंदर आप यहां पे मौजूद थे। ध्यान से पे अटेंशन, पे अटेंशन, आर्टिकल 5, आर्टिकल 5, आर्टिकल 5,
पतली लग रही है, डाइट कर रही है, डाइट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त डाइट कर रहे हैं, मत बोलो। ओके ओके, अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला था। अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, किसी आर्टिकल में जिक्र किया गया डोमिसाइल शब्द का। इस पे भी केस हुआ था, अगर आपको याद हो तो। डोमिसाइल शब्द पे मोहम्मद रजा का केस था, यून ऑफ इंडिया का केस था, है ना, कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। कई बार नागरिकता में ये सवाल उठते हैं कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। डोमिसाइल का मतलब होता है, अब तुम यहाँ रहने आ गए, अब बाबू तुम मुंबई में रहने आ गए, है ना, सपोज तुम किसी भी देश के पार्ट में तुम रहने चले, तो तुम अपने आप को क्या बोलोगे? मैं यहाँ का डोमिसाइल हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, और मुझे जो चाहिए अब यहाँ, अब हरियाणा रहने चले गए, ठीक है। सपोज हम हरियाणा रहने चले गए, अब हरियाणा में हमने क्या बोला कि हरियाणा की सरकार ने कहा है कि यहाँ के नागरिकों को 70% रिजर्वेशन मिलेगा। क्या बोला? कि 70% रिजर्वेशन मिलेगा, जो हरियाणा के लोकल्स हैं उनको मिलेगा, जितने भी जॉब है। क्यों? हरियाणा में या फिर गुड़गांव में पड़ रहा है मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट कंपनियां, वो तो हरियाणा में खुल रही हैं। दिल्ली में जगह बच नहीं रहा है, दिल्ली इतना ऑलरेडी कंजस्टेड हो चुका है, तो मैक्सिमम कंपनियां कहाँ खुल रही है? आईटी का पूरा हब बना रखा है गुड़गांव में, तो आईटी पूरा अलग ही वहां माहौल हो जाता है। अलग बात है 6 बजे के बाद शांति छा जाता है, क्योंकि 6 बजे सारे ऑफिस वाले चले जाते हैं। ओके, तो मैं कहूँ कि मैं तो हरियाणा में रहने आ गई हूँ, मेरे को भी अब जॉब में 70% का मेरे को भी रिजर्वेशन में मिलना चाहिए। इज इट पॉसिबल? नहीं। मैं प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ पीरियड के लिए हरियाणा गई हूँ कि मेरे को 2 साल रहना है, मेरे को 1 साल रहना है, मेरे को 2-3 महीने रहना, फिर मेरे को वापस आ जाना है। उस प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के लिए मैं अपने आपको नागरिक नहीं बोल सकती हूँ। अगर आपको एक मकसद है कि आपको 5 साल वहां रह के वापस आ जाना है, या 10 साल वहां रह के वापस आ जाना है, तो आप वहां के नागरिक नहीं है। डोमिसाइल का मतलब है आप उस मोटिव के साथ वहां रहने गए हैं कि भाई आपको बसना है वहां पे। आपको याद होगा कि आपके घर में पापा के अगर 5-6 भाई होंगे, तो आपके पापा के चाचा लोग जो है वो अलग अलग स्टेट में रह गए होंगे। अब उन्होंने वहां घर भी खरीद लिया होगा, घर भी बना लिया होगा, बच्चों को वहां रह के पढ़ा भी रहे होंगे, तो उन्होंने वहां की नागरिकता, वहां की डोमिसाइल भी उन्होंने ले ली होगी, है ना। वो होता है उनका मकसद, है उनकी नौकरी वही है, उनके बच्चे वही पढ़ रहे हैं, तो उनका मकसद है, राइट। छोटू गलत गलत गलत, 8 पे नहीं जाओगे तुम, उस पे जा रहे हो कि किस दिन पर भैया गेट खुला था इंडियन पाकिस्तान का 1948 में, कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं और पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, ठीक है, वो वाली नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहता है? एक कहता है कि जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हैं, दूसरा कहता है कि या तो आपके माता या पिता इंडिया से होने चाहिए। इस पे काफी विवाद हुआ था, क्योंकि पहले ये बोला गया था कि आपके पिता जो होने चाहिए भारत से होने चाहिए। जब इस पे केसेस होने शुरू हुए कि क्या सिर्फ पिता होने होंगे भैया भारत के, माता नहीं होनी होंगी, तो फिर इस चीज को वापस ठीक किया गया था कि माँ भी आपकी क्या होनी होगी, आपकी माता या पिता दोनों या तो इंडिया से बिलोंग करने चाहिए, उनमें से कोई एक बिलोंग करना चाहिए इंडिया से, या तो आपके ग्रैंडफादर, माता या पिता किसी का एक साइड का यहां से बिलोंग करने चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। अब बोलोगे मैम ये क्लॉज डालना क्या जरूरत था, माता पिता यहाँ से हैं, मतलब कि हम भी हैं। कैसे बेटा? तुम याद करो गदर पार्टी वगैरह, तो भैया कई लोग तो ऐसे थे ना इंडियंस जो कि इंडिया से बाहर रह रहे थे इंडिया की आजादी के लिए, तो क्या जब देश आजाद हुआ तो क्या उनको नागरिकता नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में नहीं थे? मिलती ना भाई। ऑफलाइन में? अच्छा ठीक है, ओके, आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पे अटेंशन। टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस अंडर विच आर्टिकल। किसको समझ में आया? तर्कसंगता की परीक्षा। किसी को इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कुछ समझ में कुछ याद आ रहा है? इस पर कई केसेस हुए हैं। अब मैं डीप में जाऊंगी तो तुम लोग बोलोगे मां आप यूपीएससी में थोड़ी ना पढ़ा रही है, जो पेड क्लास में हुआ मेरे साथ, है ना। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, वेरी वेरी गुड। डीप में जाएंगे तो फिर बोलोगे। जो बात कर रहा है किसके बारे में? तुम्हारे इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, तुम्हारे कानून के समक्ष। एक बार बताओ, कानून के समक्ष जो है किसी प्रकार से तुम किसी भी वर्ग में डिवाइडेड नहीं हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, या तुम क्या हो। अगर शाहरुख खान के बेटे ने सेम क्राइम किया है और तुमने भी सेम क्राइम किया है, तो एक सजा होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम्हारे पास पीआर टीम होनी चाहिए और तुम्हारे पास दूसरे देशों का बहुत अच्छा बैकअप होना चाहिए, और तुम लोगों को इमोशन के साथ खेल सको, है ना। तो अगर तुम्हारा बेटा अगर ड्रग्स में अंदर भी जाता है कल को,
और समीर वानखाड़े जैसे ऑफिसर जो अपने ड्यूटी निभा रहे थे, तो पीआर टीम को इतना पैसा दो कि तुम्हारी इमेज को साफ करे और बाकी जो है मेरी पीआर टीम कोई बन जाओ यार, कोई तो बन जाओ मेरी पीआर टीम ठीक है। और समीर वानखाड़े को आज कोई नहीं जान रहा कहाँ रह रहे हैं, उनकी पूरी करियर, उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया गया, चश्मदीद गवाह मारा जाता है, पूरे बॉलीवुड मूवी स्टाइल माफिंग है ना। आर्यन खान अब सही भी हो चुके हैं, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पठान मूवी भी आने वाली, तुम लोग बॉडी देखोगे, हुआ करोगे, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में इशू अ रिट ऑफ नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो है ये किस आर्टिकल के तहत इशू होता है? अब देखो यहाँ पे दो आर्टिकल का क्वेश्चन है, क्या बोला मैंने, एक रिट है जो कि हेबियस कॉर्पस इशू करता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लीगल टर्म ही रिट है, इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, मतलब होता है हैव अ बॉडी। अरे भाई हमारे पास एक शरीर है, शरीर में जान है, हम कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, कि हमारे शरीर के अंदर कोई जान नहीं है, हम निर्जीव नहीं है, इसका मतलब होता है लॉ में हैव अ बॉडी, इट मीन्स यू आर अलाइव। तो अगर हम अलाइव हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा हक कहाँ आएगा, आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, हमारा भी हक है कि हम डिग्निटी के साथ रह सकें। अब कल को कोई पुलिस वाला या पुलिस के भेष में कोई पुलिस की दूसरी विंग आके तुम्हें उठा ले कि हम तो तुम्हें अब अरेस्ट कर रहे हैं, तो आपने ऐसा ऐसा क्राइम किया है या तुम्हें बिना बताए अरेस्ट कर ले, घर वाले डर गए, कुछ समझ में ना आया, भैया लोग सादी वर्दी में आए थे बिना किसी कपड़े में, लेकिन वो लेके हम पुलिस के आदमी उठा के लेके चले गए, अब कहाँ जाएं। जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन ने कहा कि भैया हमारे थाने तो कोई अरेस्ट करा नहीं, एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब ने बोला कि हमने तो कोई अरेस्ट नहीं करा है, कौन आदमी थे, अब जाएं तो जाएं कहाँ, तो हम पहुंच गए फिर कोर्ट पहुंच गए। अब भैया सुप्रीम कोर्ट तो ना जा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, हम रहते हैं बहुत दूर पे, पैसे ना है हमारे पास उतनी दूर जाने को, अब क्या करूं, तो अब हम क्या करेंगे, हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे 26 के अंतर्गत और हेबियस कॉर्पस कहेंगे कि भैया हमारा भी तो अधिकार है भैया जीने का, हमारा भी तो हैव अ बॉडी, डिग्निटी के साथ सर उठा के जीने का। दूसरा, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तुमको, तुम कल को गए जमानत के पेपर करवा के कि भैया हमको जमानत करवानी है, बिना किसी अरेस्ट मेमो के अरेस्ट कर लिया, कल को पुलिस कहती कि वो तो भाग गया या हमने तो छोड़ दिया, अब तुम कहां भटकोगे, तुम्हारा आदमी घर भी ना आया, अब क्या करोगे, कोर्ट पहुंच जाओ, हेबियस कॉर्पस। इसमें कोर्ट जो है वो पुलिस को वो जो निर्देश, जो भी कंसर्न्ड पर्सन है उसको निर्देश जारी करेगी कि आपको उसको पेश करना है कोर्ट में, ठीक है, क्लियर। I have cleared SSC senior 2020, but I want to pursue a career as a teacher like you. What should be my first step to do? जब कोई पैशन होता है तो आप पैशन को फॉलो कर ही लेते हो, एक बात याद रखना। चलो टेलीग्राम पे मैसेज करो। अगला, द डिसीजन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट, ध्यान से ना, इंफीरियर कोर्ट जितने भी हमारे, मेरी एक बात हो रही थी, एक मेरे फ्रेंड है तो उनका, वो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं एक लोअर कोर्ट में एज अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तौर पे, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे, मैंने उन्हें कहा कि यार तुम्हारे पास इतनी पावर भी होती है, तो उसने कहा कि मैंने आर्म्स एक्ट में इधर उधर सजाएं दी है, मैंने 10 सजा दी, इधर उधर सजा दी है, ACP और SP की कोई पावर नहीं है मेरे सामने, ऐसा है वैसा है, बिहार में है। तो मैंने पूछा कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो लेकिन तुम्हारे पास इतनी पावर अभी आई है, अभी तुमने ज्वाइन की, 4-5 साल हो रहे होंगे, तो मैंने कहा कि इतनी पावर आई है कि तुम ये सब, लोअर कोर्ट वालों के पास इतनी पावर होती है, क्योंकि हम तो भैया हमेशा, क्योंकि हम लोगों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमने कहा कि तुम्हारे पास इतनी पावर होती है, तो कहता है ए यार प्लीज डोंट कॉल अस यार लोअर कोर्ट मत बुलाओ, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो इंफीरियर कोर्ट नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट विल बी द राइट टर्म, सबऑर्डिनेट कोर्ट विल बी द राइट टर्म। अगर मान लो कोई एक डिसीजन दिया गया है किसके द्वारा, लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, ठीक है, निचली अदालत जो आपके यहाँ है उसके द्वारा, लेकिन आपको लग रहा है कि वहां पे लॉ का कोई एरर है, आपको उसमें लग रहा है कि कहीं मेरे को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला है, तो आप कौन से एक रिट जारी करके हाईकोर्ट पहुंच जाओगे। मान लो लोअर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल, आप हाईकोर्ट पहुंचोगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे, कौन सा रिट जारी करवाओगे कि भैया वो जो जजमेंट मेरे को आया है उस जजमेंट से हम खुश नहीं है, उस जजमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती थी। मैंडमस बट नॉट श्योर, ओके, गलत बेटा, मैंडमस गलत है, प्रोहिबिशन गलत है, गलत गलत गलत,
खूबसूरत इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पहले भी आप लोग को मैंने बताया, प्रमाणिक बोल लो, प्रमाणिक तो गलत इसका हिंदी है, इट्स सेरेटरी, इट्स सेरेटरी करा लो या सेरेटरी बुला लो इसे। ये क्या कहता है, कैसा विशेष अधिकार है जब आपकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के निचले अदालत या किसी ट्राइब्यूनल के मामले को क्वैश कर सकती है, उस मुकदमे को हटाने का आदेश दे सकता है कि भैया यहाँ पे शायद एक पॉइंट आउट कर सकती है चीज़ों को, यहाँ पे एक एरर हो चुका है लॉ में या यहाँ पे इस चीज़ों को कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है, और एक प्रॉपर तरीके से अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्हें कहती है। ये मैंने वैसे यहाँ पे पूरा समझा रखा है, इतना आपको डीप में जाने की जरूरत है नहीं कि किन मामले में ये लोग जारी करते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है, जिसमें मालिक अधिकारों का उल्लंघन वगैरह किया गया है। तो इस रिट को जारी करके जो आपकी निचली अदालत का जो भी फैसला आया है उसको कॉश किया जा सकता है, यानी रद्द किया जा सकता है। अच्छा पता नहीं कि FIR रद्द करवा सकते हो, पता ना FIR डायरेक्ट रद्द करवा सकते हो, भैया पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं, FIR रद्द नहीं करेंगे, तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट से भी इसे रद्द करवा सकते हो। खैर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके मौलिक अधिकारों का गार्जियन कौन है, अरे मौलिक अधिकार छोड़िए, मैं आपको बोलूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके संविधान का कौन है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके संविधान का कौन है तो आप किसका जवाब लेंगे, किसका नाम लेंगे ना। वन थिंग, पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेचर है, लेकिन हमने देखा है कि पार्लियामेंट को अगर हम पूरा हक देते हैं, एक एक चीज को समझो बिल्कुल लॉजिक के साथ, अगर हम पार्लियामेंट को यानी कि लेजिस्लेचर को यह हक देते हैं तो गड़बड़ बात है। क्यों, हमारे यहाँ क्या है भैया, ये लॉ मेकर्स हैं, ये क्या है, लॉ मेकर्स हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ मेकर्स अपनी, कई बार हमने देखा है मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर कि कुछ चीजों का मिसयूज किया गया था, खैर, और हमने संविधान पहले क्या बता रखा है कि एग्जीक्यूटिव जो होंगे ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर की तरफ, एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा लेस पावर दिया गया कंपेयर टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट भी क्या है, एग्जीक्यूटिव है। तो जुडिशियरी का काम क्या है, हमारे यहाँ तीन बॉडी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, जुडिशियरी का काम है उस कानून की व्याख्या करना। तो जो कानून को समझता है, जो कानून की व्याख्या कर सकता है, जिसका काम है न्याय देना, वही तो संविधान की रक्षा कर सकता है, है ना, वही तो गारंटी दे सकता है लोगों को, राइट, डन। अगला ध्यान दीजिएगा फटाफट तरीके से, जा मैंने पानी भी नहीं रखा है, गाइस शेयर द क्लास, ओके चलिए, क्या कह रहा है, हाई स्पीक जो है अरुणाचल प्रदेश की हाई स्पीक वो कौन सी है, ओके कांगटू, कांगटू। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे जनसंख्या में सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश अपना कौन है, राज्य अपना सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, जनसंख्या के हिसाब से भी अरुणाचल प्रदेश है ना, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन 2019 का ये क्वेश्चन है, चलो इसको कर ही लेते हैं, ये करंट अफेयर है उसका। सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2019 कहाँ पे हुआ था, नेपाल में हेल्ड हुआ था उस टाइम पीरियड पर, ओली ओली बाबा जो थे ये बहुत ज्यादा उड़ रहे थे चाइना के बलबूते पे, ओके। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन रहे थे, ये आप लोगों को वैसे करना नहीं है, बस मैं कर दे रही हूँ, चलो ठीक है, ओके अब आ जाओ 2021 के ऊपर, हाँ ठीक है, नो इश्यूज। किस कंट्री ने होस्ट किया है 16th G20 का समिट 2021 में, इसका किसने होस्ट किया है, इटली ने, हमारे यहाँ राजनेता भी जो है वो इटली से ही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाई डू यू कॉल अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बेसिक पेयर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मैंने बोला कि किसी जीव के आधार पे, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के आधार पे अगर कोई प्रोसेस में चेंज हो रहा है पेयर सीक्वेंस में, तो आप उसे क्या बुलाते हैं, यू कॉल इट पॉलिनेशन, यू कॉल इट डिस्कंटिनेशन, म्यूटेशन और आयनाइजेशन। अब एक बात बताती, लॉ में एक टर्म है म्यूटेशन, जब कोई तुम प्रॉपर्टी खरीदते हो तो हम क्या कहते हैं, जमीन का म्यूटेशन हुआ है, इस जमीन का, इस घर का म्यूटेशन क्या कंप्लीटेड है कि नहीं कंप्लीटेड है, खैर म्यूटेशन, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, ओके। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में माइक्रोस्कोप के अंदर क्या ऑब्जर्व किया था, फटाफट से, ग्रेट शुभम पवन चांदनी,
चांदनी चांदनी मैं तेरी जगत चांदनी. वेरी गुड, गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वन. ध्यान दीजिएगा, कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो एडिट किया जाता था बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर क्रिटिक्स थे ब्रिटिश रूल के. लाल बाल पाल, किसको किसको याद है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी बुलाया जाता था. किस नाम से? पंजाब केसरी. शायद आप लोग अब तक समझ गए होंगे मैं केसरी अखबार के बारे में बात कर रही हूं. पंजाब केसरी के नाम से इन्हें बुलाया जाता था, पंजाब केसरी. दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक. क्या बताया मैंने? पंजाब नेशनल बैंक. इसकी स्थापना भैया इनका नाम आएगा सीधे सीधे बाल गंगाधर तिलक साहब. डन डन डन. यस, लाल बाल पाल. मुझे लगता है यार, तुम लोग मानो या नहीं मानो, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी ना एक साजिश हुई थी. ये जो पूरा एक तैयार किया गया था, इसमें पूरी एक साजिश हुई थी. लाल बाल पाल, कैसे कैसे डेथ हो सकता है? आजादी मिलने आप लाला लाजपत राय की मौत हो गई, साइमन कमीशन का विद्रोह करते हुए उनको ही सिर्फ टारगेट किया गया उस दौरान पे. आज़ादी के बाद देखो ना, कुछ साल बाद आज़ादी मेरी सारी जगह को जोड़ के रखा, और जस्ट उसके बाद पटेल साहब की कुछ वक्त बाद ही मौत हो गई. पटेल साहब की, लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई. बड़ी सर्कमस्टेंसेस बड़े डिफरेंट नहीं लगे तुम लोगों को? कभी सब मन नहीं किया कि पढ़ाई करें? जैसे मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े इनके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हर किसी के आर्टिकल्स में अलग अलग थ्योरी दी गई थी. मैंने कई चीज़ें कंबाइन की तो मैं एक कंक्लूजन पर पहुंची. तो मैं वो कंक्लूजन आपको ऑनलाइन क्लास में तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को भी ये सेम काम करना चाहिए कि आप लोग को सारे एक बार चेक करने चाहिए, फिर आप भी कंक्लूजन पे पहुंचो. अगला ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा जो था फारसी अरबी तुर्की के अलावा संस्कृत का भी हिंदी राजस्थानी का भी प्रख्यात विद्वान था? बिरबल का नाम पता है क्या था आप लोगों को? नाम पता है क्या नाम था इसका? भैया ये दिने इलाही अपनाने वाले पहले आदमी बनते हैं भैया. मानसिंह के साथ बिरबल, फिरदौसी, ये लोग पहला बनते हैं. अकबर भैया को तो आप जानते ही, अकबर भैया पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो अकबर भैया को बाकी चीज कैसे आएगा? पढ़ना लिखना थोड़ा कम जानते थे. इनका नाम है अब्दुल रहीम खान खन्नानी. अब्दुल रहीम खान खन्नानी. अच्छा, आज के लोग जो है वो बड़ी बातें कहते हैं. बातें क्या? गंगा का पानी शुद्ध नहीं होता है. अकबर जो है वो गंगा का पानी पीता था, शुद्ध पानी. दूसरा बात, रामायण और महाभारत सत्य नहीं है. तो ये लोग तो बेवकूफ थे जो फारसी में उसका अनुवाद भी करवा के लेके जाते थे, है ना? नेक्स्ट वन. ओके, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस इंडियन क्रिकेटर ने 14 बॉल ओवर पे मारा है? ओके ठीक है, ये एक वो है 2022 का क्वेश्चन है, अनिल कुंबले ने. नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा वॉज एस्टैब्लिश. दो क्वेश्चन, दो सवाल आप लोगों के लिए है यहाँ पे. इसका जवाब मैं देती हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये ओडिशा और उड़ीसा ये नाम चेंज कब हुआ है. 1435 में गजपति राज की स्थापना हुई थी कहाँ पे? ओडिशा में. आपको क्या लगता है कि जब ब्रिटिशर्स के पास दीवानी राइट्स आए थे बिहार के, बंगाल के और उड़ीसा के, तो क्यों ये इतने खुश थे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्या लगता है? अरे मिनरल्स इनके हाथ में था, मिनरल्स था, जमीन था, पानी था, एग्रीकल्चर था, समझ रहे हो? सबसे फर्टाइल लैंड थी उनके हाथ में, मिनरल्स थे सारे के सारे उनके हाथ में, पानी था उनके हाथ में, जंगल था उनके हाथ में, क्या नहीं था उनके हाथ में. बिहार, बंगाल, उड़ीसा अगर तीनों मिल जाए तो अब देख समझ रहे हो कितना पावरफुल बन जाएगा, उस टाइम का सबसे ज्यादा अमीर रियासत हुआ करता था. यूपी वाले हैं, उड़ीसा की हिस्ट्री नहीं पता. हम भी यूपी वाले हैं फिर भी उड़ीसा की हिस्ट्री पता है. यूपी वाला होने से ऐसा मत बोलो, मार देंगे बहुत, पटक देंगे उठा के. यूपी वाले तो उड़ीसा की हिस्ट्री नहीं पता इनको, और यूपी वालों को सबकी हिस्ट्री पता होती है. दिमाग खराब. नाउ इट्स उड़ीसा, ग्रेट. दिमाग खराब, स्टेटमेंट देने से पहले सोचते ही है लोग. हाँ नहीं तो आमफान इंडिया में कब आया था? हम गुलाब जामुन बना रहे थे किचन में, हम पहली बार किचन में, पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार किचन में एंटर किए होंगे. एक दो बार पहले भी गए थे कॉफी वॉफी या चाय वाय कुछ बनाने बनाने के लिए, बहुत गंदे बनाता है. खैर
हाँ तो क्या हुआ, हम किचन में गए थे, बड़ा रेसिपी चेक कर रहे थे और हम उस टाइम पे कोलकाता में थे क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट उस टाइम पे लॉकडाउन जब लग भी गया था तब भी काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे रेस्टोरेंट में हमारे। तो हुआ क्या था कि भैया हमने सोचा कि हम लोग गुलाब जामुन ट्राई करें अपने हाथों से बनाने का। उस टाइम पे वो आते थे ना उसके पाउडर वगैरह आते थे, तो हमने कहा भैया बड़ा चल रहा है आजकल डालगोना कॉफी और पता नहीं क्या क्या चीज़ चल रही है, तो हम भी कुछ बनाते, चाशनी तो बन गई, मम्मा से पूछ पूछ के बना लिया। इसी तरीके से हम भैया कोलकाता में फंसे हुए थे। उस टाइम पे बगल में हमारे पेड़ पौधे थे, जो तूफान आया और जिस तरीके से लगा कि आज पूरा कांच टूटा, मेरा वो बालकनी का जो कांच था वो तो टूट गया, वो अंदर की तरफ गिर गया, ठीक है। और जैसे हवा क्रॉस कर रहा था, अरे वाह वाह भैया, 2020 में आया है, तुम लोग को बताना है कि इस दौरान का कि किस टाइम पर आया है। मैम ये तो पता ही है, डी 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 डी, बहुत अच्छी बात है, सबको याद है ना। मेरे अगले दिन रात भर तो ऐसे हवा, ऐसे वो होता है हाउलिंग साउंड, वो मतलब वो आ रही थी, वो आवाज़ें तो भूतों वाली करके, वो ऐसी हमिंग साउंड्स आ रही थी इस तरीके से, इतना तेज हवा चल रहा था। मैंने कहा आज तो गए, अगल बगल के सारे पेड़ वेड़ सब टूट टूट गए, ठीक है। पार्किंग में जो गाड़ी रखी थी कवर्ड पार्किंग, तो पता ही पार्किंग कैसी होती है भैया, बिल्डिंग के अंदर आप घुसा दे तो थोड़ी ना वो शटर लगी हुई पार्किंग है, अपार्टमेंट की पार्किंग कैसी होती है, गाड़ियों की भी हालत खराब मत बोलो। उस पर से मेरी केयर टेकर ने मुझे एक स्टोरी भी सुना दी कि पेड़ से उतर के सात जिन आया था रात के 3 बजे, हम देखे छिलम, हम एखाने सोए छिलम, तारपर हम देखलम कि जे झाड़ता आछे एटा नीचे हो गए छिलो, मतलब उन्होंने बोला कि जो लंबा सा जो पेड़ है जिसको मैं छत पे जाके निहारा करती थी, ठीक है, उसने कहा वो नीचे हो गया और उसे सात जो है जिन उतर के आए और वो फिर चढ़ते चढ़ते छत पे चले गए और इसने उसका पीछा किया था। खैर जाने दो, क्या बताया हमने, ध्यान देना। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व जो है ये ग्रांटेड है कंस्को कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड, मतलब क्या है भैया, सो ग्रांट किया जाए कंजर्वेशन अथॉर टाइगर स्टैंडर्ड, मतलब तुम टाइगर वाइगर को बढ़िया से रखते हो, अच्छा से खाना पीना खिलाते हो, तुम उनके साथ सर्कस में नहीं नचवाते हो। मेरा भी हालत खराब था, अच्छा तुम भी तो बंगाल से हो। मधुमलाई टाइगर रिजर्व, कहाँ बताया मैंने, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ टाइगर को जो है इंसान के रूप में बढ़िया बड़े मलाई के रूप में दी दी जाती है, फेंक दी जाती है, यहाँ पे टाइगर खुश रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको भैया 2021 में ये स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट वन, पे अटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन, अगर मैं बोलूँ कि भोजन और खाना दूषित होने का इनमें से कौन सा रीजन नहीं बनता है दूषित होने का, केमिकल अगर कारखानों से अगर गंदा पानी आ रहा है, अगर रासायनिक प्रवाह हो रहा है तो दूषित हो सकता है, पानी दूषित हो सकता है, जो अनाज है वो दूषित हो सकता है, अगर फूड को खाने को अगर गलत तरीके से रखा जाएगा, स्टोर अगर गलत तरीके से किया जाए तो दूषित हो सकता है, अगर वातावरण में कीड़े मकौड़े इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स घूमने फिरने लगे तो हो सकता है दूषित। वेरी गुड, आवारा जानवरों को काटना, जानवर तुमको काटा तो उसे खाना कैसे दूषित हो जाएगा, है ना, जानवर ने तो तुमको काटा है तो खाना दूषित हो नहीं सकता है। महादेव ब्लेस यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, महादेव की आशीर्वाद बहुत ज्यादा था। नाउ हु हैड डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, किसने डिस्कवर किया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये मैडम, राम राम, अरे त्रिपाठी है यार, बंगाली थोड़ी है, बंगाली आता है क्योंकि वहां रहे हैं इसलिए। चल बताओ, कार्ल कार्ल लंच चैनल, बंगाली आता है, पंजाबी आती है, हरियाणवी ज्यादा नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है, ज्यादा नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, आपको बताना है कि इनमें से किसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, कई बार दिखने को मिल जाता है। हम बात करें शुक्र की, इसकी बात कर रहे हैं वीनस की, भैया कौन कौन यकीन करते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि ग्रह जो है वो अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ होल यूनिवर्स, किसको माना जाता है कि होल यूनिवर्स का ओरिजिन 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 है प्रोक्सिमा से, ये ऐसा माना जाता है थ्योरी के हिसाब से। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा जो है टेम्पररी मेमोरी है, आ गया भैया लूसेंट का सवाल, बताओ जल्दी जल्दी, ये लूसेंट जो है पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैम कॉलेज में सब्जेक्ट भी है, कौन सा सब्जेक्ट है कॉलेज में,
राम राम राम, कुछ 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 टेम्प्रेरी आप इसको इस्तेमाल करते हैं फाइल को स्टोर करने के लिए, फाइल स्टोरेज के लिए, टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह को, है ना। नेक्स्ट वन, प्लांट्स जो है अपना खाना किस पार्ट से बनाता है, टैप रूट से, स्टेम से, लीफ से, या थैलस से, जल्दी बताओ। बड़ा ही आसान है यार, लूसेंट, मैंने देखा कि बच्चे जो है ये लूसेंट की किताब से वो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप वगैरह में। लीफ पत्तियों से बनाएगा, और कहां से बनाएगा है, पढ़े नहीं थे तुम। अगला देखो, अरे सेम है यार, जिसको इवनिंग स्टार बोले उसी को मॉर्निंग स्टार बोले, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। अगला, किस सिटी को लास वेगास ऑफ एशिया भी बुलाया जाता है। दिल्ली को तो नहीं बुला सकते हैं आप, ये तो सही बात नहीं है ना कि दिल्ली को नहीं बुलाएंगे। दिल्ली में क्राइम जिस स्तर पे हो रहे हैं ना, बाबा रे बाबा। मकाउ, मकाउ 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 क्या बोलता है, लास वेगास ऑफ एशिया बुलाया जाता है। ओके, तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर कौन था, इसके बाद तो मुगल आ जाएगा, इसके बाद 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा। क्या होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हूम, बाबर एंड लोदी, इब्राहिम लोदी की आर्मी के सामने। बाबर की आर्मी कुछ नहीं थी, लेकिन चूंकि ये अपना टेक्निक बहुत बेहतरीन तरीके का लेके आया था तो बस इसके बाद खत्म होगा दिल्ली सल्तनत। भैया पूरी स्लेव डायनेस्टी से शुरू हुआ है, दिल्ली सल्तनत कहां से शुरू हुआ है, स्लेव डायनेस्टी से, घौरी के मरने के बाद, ऐबक के सत्ता में आने के बाद। ठीक है, आगे बढ़े, मुझे लगा क्या हो गया, खत्म हो गए थे क्वेश्चन। ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से कौन, किसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएटेड नहीं था। करतार सिंह का था क्या, करतार सिंह का था क्या। अगला, इकलौता लाइसेंस प्राप्त, ये मैंने सवाल आई डोंट नो कितनी बार पूछा है, क्योंकि लूसेंट में भी दिया हुआ है ये सवाल, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने कितनी बार पूछा है कि इकलौता लाइसेंस प्राप्त ध्वज उत्पादन इकाई कहां पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, कहां पर स्थित है, कर्नाटका में, है ना, हुबली, कितने भैया, हुबली में, डन, यस। कर्नाटक आपको पता है कि कॉफी की प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन है कॉफी का वहां पे। नेक्स्ट वन, पे अटेंशन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द स्प्रेडेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी अफगानिस्तान की तरफ, इसके बारे में हमने पहले भी आपको बता रखा है, पहले भी मैंने करवा रखा है इसके बारे में। वेरी वेरी गुड एल्बो, अगर यही सवाल मैं आपसे ये पूछती कि ऐसे कौन से आदमी थे, महाराजा थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी से पहले अफगानिस्तान में एक पूरा एरिया हमारे लिए प्रिपेयर करके रखा, पूरे अफगानिस्तान को हमसे पहले, तो नाम होता महाराजा महेंद्र प्रताप। अरे ध्यान दीजिएगा, अमीर ऑफ अफगानिस्तान कौन थे जब डर्न्स लाइन को डेमोक्रेट किया गया था, अगर आपको याद हो, अमीर टाइटल वहीं से आया, अमीर अमीर लोगों वाला, अब्दुल रहमान, कौन थे भैया, अब्दुल रहमान थे, जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। कोहिनूर डायमंड को बोलते हैं कि इसका खनन किस माइन से हुआ है, दो चीजें बोलते हैं, ऐसा माना जाता है, कोई पुख्ता ऐसा एविडेंस नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसका खनन जो हुआ है ये कहां से हुआ है, ये हुआ आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के कहां से, गोलकोंडा, और मानते हैं कि भैया कोहिनूर के साथ इसका एक भाई भी था, कोहिनूर के साथ कौन था, दरिया ए नूर, तुड़वा भाई भी था, पता नहीं इसको कौन चुरा के लेके चला गया, दरिया ए नूर को कौन लेके गया, नो आइडिया। ठीक है, पन्ना आपको पता है, पन्ना फेमस है हीरे के लिए, एमपी में पड़ता है आपका, और हीरे के खनन के लिए पन्ना जो है ये फेमस है।
एक लिख रहा है ब्रेकअप हो गया, प्लीज मुझे सुसाइड करने से रोक लो। अरे नारायक, अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया। वो पढ़ा तुमने न्यूज, उसका ब्रेकअप होता तो बच जाती लड़की। उसको लिव इन रिलेशन में था, 35 टुकड़ों में काट के उसको अलग अलग जगह में, 35 टुकड़ों में काट के अलग अलग जगह में फेंक दिया उसको। श्रद्धा को प्यार करती थी, मुंबई से दिल्ली आई, दिल्ली आके शिफ्ट हुई। बताओ, अरे ये क्या हुआ, कुछ हुआ क्या अभी? मुझे तो पहले पिछले स्लाइड में था, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है ये साइन किया गया था किस, एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। जब भी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम आपको याद आता है तो आपको सबसे पहले जो नाम याद आता है वो याद आता है टीपू सुल्तान का। एक ऐसे सुल्तान जिन्होंने हार नहीं मांगी, ऑलमोस्ट जिन्होंने सबसे मदद मांग ली थी। मैं बोलूँ ना सबसे, मतलब सबसे मदद मांग ली थी कि भैया हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। इन्होंने फ्रेंच वालों से कहा। अच्छा एक चीज़ मैं बताती हूँ, वैसे फ्रेंच वालों की उन्होंने जैकोबिन क्लब बनवाए थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनवाए थे, वो ट्री बनवाया था इन लोगों के लिए, फ्रेंच वालों के लिए। खैर, नेपोलियन को भी खत लिखा था, नेपोलियन भी आने वाला था इनकी मदद करने के लिए। दो तीन चीज़ें मैं बताती हूँ, जब ब्रिटिशर्स मैसूर में जब हमला कर रहे थे ना, उन्होंने दो चीज़ें कही थी। एक तो निज़ाम को अपने साथ मिला लिया था, एक तो निज़ाम को अपने साथ मिला लेते, दूसरा मराठाओं को। और इनको क्या बोला था कि जैसे हम इस एरिया को अपने अंदर कब्जा कर लेंगे ना, वैसे हम तुम लोग को भी एक बड़ा बड़ा एरिया तुम लोग को भी हम लोग दे देंगे, वो एरिया तुम लोग को दे देंगे। और हुआ यूं कि जब इसने कब्जा कर लिया जब अंग्रेजों ने, तो पता है क्या क्या, मान लो पूरा मैसूर है तो ये एरिया दे दिया निज़ाम को और ये एरिया दे दिया मराठा को, ना के बराबर एरिया दिया गया। और उसके बाद इन्होंने एक बात भी कही थी कि हमारे दोस्त भी क्या कबूला कि भैया हमने दुश्मन को भी मार दिया और दोस्तों को भी कुछ नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा था, हमने दुश्मन को भी मार दिया और हमने दोस्तों को भी कुछ नहीं दिया। यस, टीपू सुल्तान फर्स्ट रॉकेट। यस, पहली बार वॉरफेयर में रॉकेट इस्तेमाल करने वाले कौन थे, टीपू सुल्तान थे। लेकिन रॉकेट का इस्तेमाल हुआ क्या कि भैया बैकफायर कर गया, इस्तेमाल करने नहीं आया, जिसकी वजह से खुद इन्हीं के आदमी मारे गए थे। तो उन्होंने कहा कि भैया हम इस विचार को अब त्याग देते हैं, रॉकेट वाले विचार को, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, और इनसे वॉर इंडेमनिटी ली थी। क्या ली थी? वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी क्या होती है? हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, इतना कष्ट करके तुम पे हमला करने हम आए हैं, हाँ अपना जरूरी काम छोड़ के आए हैं, तुम पे हमला करने आए हैं, तुम्हें जान से मारा हमने, तुम्हें तड़पाया हमने, तुम्हारी शांति भंग करी हमने, है ना, तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी को तबाह किया हमने, उसके लिए हमको कुछ कंपनसेशन दो, क्योंकि वॉर इंडेमनिटी तो दोगे हमको, हराएंगे भी तुमको, फिर तुम्हें से वॉर इंडेमनिटी भी हम लोग लेंगे। ये इनका अलग प्रकार का इजाद था, ठीक है। 3 करोड़ रुपए इनसे ले लिए थे, इनके दोनों बेटों को भी लेके चला गया था, कोई बात नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, शेयर द क्लास। अगला ध्यान दीजिएगा, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कमांडर इन चीफ इन इंडिया 1902 में और 1909 में, जब लार्ज स्केल पर रिफॉर्म हुए थे। क्या हुए थे? लार्ज स्केल पर रिफॉर्म हुए थे और मर्जर हुआ था तीनों प्रेसिडेंसीज की, यूनिफाइड फोर्सेस का। तीनों प्रेसिडेंसीज बोले तो मैम क्या बोला आपने, बंगाल, आई एम टॉकिंग अबाउट बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों की आर्मी का मर्जर कर दिया गया, है ना। कौन था भैया? किशोर, 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 व्हाटएवर यू कैन कॉल हिम। ओके, नेक्स्ट वन, कौन सा अनुच्छेद जो है, मैम मेरे कमेंट देख लो, मैं आर्मी से हूँ, जम्मू कश्मीर की सबसे खतरनाक जगह से आपका क्लास ले रहा हूँ। अरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, हमारी क्लास ले रहे हैं, आर्मी से हैं, आपको सलाम। अगला देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद जो है प्रधानमंत्री को संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद की सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य समझता है। अब दो फैक्टर समझना बहुत जरूरी है आपको, क्या दो चीजें बहुत क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, आप लोग बैठा लीजिए। पहला मैंने क्या कहा कि जब मैं बात करती हूँ रियल एग्जीक्यूटिव की, जब पहला मैं जब बात करती हूँ रियल एग्जीक्यूटिव की, तो आप क्या कहते हैं, पीएम। दूसरा, जब मैं बात करती हूँ नॉमिनल हेड की या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की,
देन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट साहब, जो कि हमारे संविधान में एक चीज लिखी गई है कि एवरीथिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. एवरीथिंग विल बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. काम कौन कर रहे हैं? पीएम साहब कर रहे हैं. लेकिन नाम किसका है? किसके नाम के अंडर करेंगे सारा काम? प्रेसिडेंट साहब के नाम के अंडर करेंगे. आपको सारी चीजें जो है, सारे विचार परामर्श आपको करने होंगे प्रेसिडेंट साहब के साथ में. अच्छी बात है, आप एमपी से हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे थे. स्पैम मत कीजिए प्लीज. ओके, ओके, ध्यान दीजिएगा. पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? जीवी मालवांकर साहब. जीवी मालवांकर साहब जो रहते पहले स्पीकर थे. स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन कैसे होता है स्पीकर का? लोकसभा के मेंबर से ही होता है. लोकसभा के मेंबर से ही होता है स्पीकर का इलेक्शन. इनके मेंबर से ही चूज किए जाते हैं कि अब स्पीकर कौन बनने वाले हैं. तो मैम एक बात बताइए, जब तक स्पीकर चूज नहीं किए जाएंगे तब तक कौन बनेगा? तब तक अध्यक्षता कौन करेगी लोकसभा की? तब तक करेंगे प्रोटेम स्पीकर. तब तक कौन करेंगे? प्रोटेम स्पीकर. तब तक अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रोटेम स्पीकर करेंगे अध्यक्षता. ठीक है, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होंगे उस लोकसभा में मौजूद, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होंगे उनको हम बोलेंगे कि आप प्रोटेम स्पीकर बनिए और आप तब तक सभा की अध्यक्षता कीजिए जब तक कि स्पीकर का चुनाव ना हो जाए, तब तक स्पीकर भैया जो है अपनी जगह पे आके ना बैठ जाए. एक बार स्पीकर साहब अपनी जगह पे आके बैठे तो प्रोटेम स्पीकर, जो कि टेम्पररी स्पीकर बनाए गए हैं, जो ये अपनी जगह से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे. ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को क्लियर तरीके से. बात समझ में? स्पीकर के पास बहुत पावर है बेटा, एक्सट्रीम पावर है स्पीकर के पास, पीएम और स्पीकर के पास. ऐसे नहीं मैडम इंदिरा नेहरू गांधी जी ने बोला था केस में कि ठीक है कोर्ट जी, जज साहब जी, आपको नहीं करना है, पावर नहीं देनी है, मत दीजिए. 368 की पावर मेरी लिमिटेड करनी है, कर दीजिए. बट स्पीकर के चुनाव में और पीएम के चुनाव में अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच कोर्ट नहीं करेगा, बल्कि उसकी जांच खुद पार्लियामेंट करेगी. ऐसे नहीं कहा था उन्होंने जब कोर्ट ने स्टैंड लिया और बोला नो मैडम इंदिरा गांधी नेहरू गांधी, दिस इज नॉट पॉसिबल. अंडरस्टूड? यस, वेरी पावर स्पीकर. एंड टू डिसाइड मनी बिल, बेटा कमेंट में झगड़ा मत करो. एंड टू डिसाइड कि बेटा मनी बिल जो है कौन से बिल मनी बिल होगी. रब्बा क्या हालत बना के रखता है तुम लोग, चैट सेक्शन का, लाइव स्ट्रीमिंग का. तुम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लास चाहिए? छोड़ो ये, बताओ मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम लोग क्लास चाहिए कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे को क्लास चाहिए? तो अपन ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक से 12 बजे अपन लेके आ रहे हैं क्लास पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप लोग रहते नहीं हो क्लास में. किस टॉपिक पे क्लास चाहिए? कोई पर्टिकुलर टॉपिक बताओ मुझे. जिसमें लगे कि हाँ मैम हमें इस टॉपिक में इंटरेस्ट है. जब आप लोग को जब पढ़ाया जाता तो आप लोग पढ़ते हो नहीं, तो टॉपिक्स के ऊपर अपन क्लास लेके आएंगे. अनुच्छेद, आर्टिकल, ओके, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंशंट, इको, कॉन्स्टिट्यूशन. देखो जब क्लास अब खत्म हो जाए तो एक बार नीचे कमेंट करके बता देना, एक पर्टिकुलर टॉपिक बता देना कि मैम आप पॉलिटी की थ्योरी स्टार्ट कर दीजिए, या मैम आप हिस्ट्री की हमें थ्योरी करा दीजिए, या मैम ज्योग्राफी की थ्योरी करा दीजिए. ठीक है, जैसे जब क्लास एक बार एंड हो जाए ना तो एक बार मुझे बता देना, एक बार इन्फॉर्म कर देना. डन, ध्यान दो. क्या बताया कि रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा में, इन्हें कौन चुनाव कौन करता है, इन्हें कौन चूज करता है? तो इसे चुनाव करते हैं इलेक्ट्रल कॉलेज. ओके, डन.
साउथ इंडियन डायनेस्टी, तो बेटा वो पूरा हमें करना होगा ना, फिर कंप्लीट तरीके से हमें करना होगा ना, पूरी हिस्ट्री के साथ हमें चाहिए होगी ना चीज़ें, एक टाइम पे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जैसे जब क्लास ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना कि मैम हमें थ्योरी चाहिए, जैसे कि अभी तो आपका एग्ज़ाम है बहुत पास है, और उस एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाए, पहले भी ये प्रैक्टिस सेशन करते हैं, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बैचेस में थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, डन, ओके। नहीं बेटा, 78 क्या कहता है कि संघ के हर एक मामले में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब को चीजों के बारे में इन्फॉर्म करें। ध्यान दीजिएगा, अलाउंस जो है मिनिस्टर्स का, जो अलाउंस है, जो सैलरी है, ये कौन देता है? पीएम साहब देंगे? नहीं 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 नहीं, ही इज तो एग्जीक्यूटिव, ही इज व्हाट, ही इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे तो ये पावर हमने दी नहीं है इनको, ये पावर किसके पास है? हमेशा संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। डू रिमेंबर दिस, ओके, डन। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं, बहुत ही जल्दी मिलेंगे आप सब अगले सेशन, तब देखिए बाय, टेक केयर एवरीवन। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, डू लाइक शेयर, और क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, यानी दोबारा कल सुबह आप लोगों से, बाय।